प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मस्तक देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जिसने आनंद जीवन का दर्शन पाया है उनके लिए ये बहुत मूल्यवान बात है। आपको मालूम है जो प्रभु ने सृष्टि किया इसके बाद में प्रभु ने किया हुआ सबसे महान काम क्या है? जो प्रभु ने सृष्टि बनाया, सृष्टि बनाने के बाद में प्रभु ने किया हुआ सबसे बड़ा काम है, वेरी गुड, मनुष्य बना। देखा है, सही उत्तर दिया आप लोगों ने। प्रियो, महान प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि के समान बना, वो है सृष्टि होने के बाद में प्रभु ने किया हुआ सबसे बड़ा कार्य। हमें अपने जीवन में ये जानना है अभी दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है। प्रभु वापस आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में होने वाला अभी होने वाला सबसे बड़ा बात और कुछ नहीं है, प्रभु वापस आएगा, प्रभु अपना पवित्र लोगों को लेकर जाएगा। कितना बड़ी बात है ना। प्रभु इस दुनिया में एक बार आया, वो जो आया वो बात पूरा पवित्र शास्त्र के अनुसार था। प्रभु का जन्म, प्रभु का जीवन, प्रभु का मृत्यु, प्रभु का जी उठना, ये सारे बात प्रभु का वचन के आधार में था। अभी वो उस वचन के अनुसार हमको लेने के लिए आने वाला है। आने का दो भाग है, एक प्रभु अपने पवित्र लोगों के लिए आएगा गुप्त में, और एक प्रकट में आएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें गुप्त आगमन की तैयारी में रहना। क्योंकि मैं सोचता हूँ प्रभु ने खुद हमें वचन दिया, जो बना 14:1-3 है, मानो हमारा मन व्याकुल नहीं होना। अभी मैं जा रहा है ना, तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा है। जब घर तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा, मैं आकर के मैं तुम्हें नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं रहेगा, वहां पर तुम भी रहेगा। हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए चुनाव लोगे। हमारे जीवन में ये बातों को सुनने के समय में कितना खुशी होना चाहिए। यीशु मसीह जाते वक्त भी जैतून पहाड़ से जाने के समय में हमारे चेले लोग देखते रह गया, तब प्रभु का दूत लोग उनको बोलता है ये गलीली पुरुष क्यों स्वर्ग की ओर देखते रहता है, अभी मत तको, जो तुम्हें छोड़कर गया है जैसे गया वही से वापस आएगा। स्वर्गदूत भी बोलता है वापस आएगा, हमारे प्रभु वापस आएगा, वो हमारे लिए आएगा। फिर इतना दिन हो गया क्यों नहीं आया, आप लोग बोलता है बहुत दिन से आएगा आएगा, कितने दिन से हम सुन रहे हैं, आएगा, जरूर आएगा। प्रभु ने हमें दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए आएगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारे इस पीढ़ी में आएगा, शायद आज भी आ सकता है ना। लेकिन हमारे जीवन में मैं प्रभु के लिए तैयार है क्या, प्रभु के लिए तैयार है क्या? आज प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु ने दुनिया के लिए एक सुसंदेश देख रखा है, सुसमाचार, है ना। ये सुसमाचार सुनने में मानने में मैं कहां तक उलझाई है ना। जब दूसरा तसलोनिकियों 12 उसका 6-10 तक का वचनों में एक खास बात प्रेरित पौलुस कहता है, दूसरा तसलोनिकियों उसका 5 उसका 6-10 तक वचन, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो नहीं किया,
इतना भयंकर अवस्था मानो होने वाला है ना प्रियो, ये जो समाचार नहीं मानता उनके साथ अभी क्या होने वाला है ना। सुसमाचार को मानना कितना जरूरी बात है ना, गुड न्यूज। ये सुसमाचार को ना मानने वाला परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर के वो दंड पाएगा ना। कितने लोगों को आज अपन कितना प्यार से वजन सुनाता है लेकिन वे वजन सुन करके विश्वास नहीं करेगा, वो कितना दोषी ठहरेगा है ना। मनुष्य के जीवन में जो प्रभु के मुंह से जो नहीं चाहता क्या एकदम भयंकर बात एक निकलेगा वो क्या मालूम है, मैंने तुम्हें नहीं जाने। आप देखो प्रियो, प्रभु अगर किसी के बारे में इसे कहे इससे बड़ा भयानक शब्द कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाना। देखा है ना, बहुत भयंकर बात है। आज प्रभु हमारे अपने बारे में क्या कहता है, आज प्रभु हमसे बात करता है कि नहीं, ये बात को परखो प्रियो है ना। प्रभु आज भी अपने भक्तों से बात करता है, प्रभु का आलोचना रोज लेना कितना जरूरी बात है। प्रभु के प्रति एक सच्चा भूख और प्यास होना कितना जरूरी बात है प्रियो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु जरूर काशी की मंडली से बहुत प्यार करता है ना। इसलिए प्रभु बहुत मतलब हमें इन अंत समय में सावधान रहने का अनेक बातों के बारे में इवन आनंददा में लाभ मिलने वाला बातों को भी प्रभु हमें समझा रहा है। अब पिछले दिनों में हम लोग परमेश्वर का हरेक पवित्र लोग जो करना चाहिए उन बातों के बारे में चार बात देखा है ना। आज मैं जल्दी 9:30 बजे तक पूरा कर पाएंगे करके आशा करके आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। वो चार बातों के अलावा आज मैं 5 और 6-7 तीन बात और बताऊंगा। तीनों बात जितना तक हो सके संक्षिप्त में आपको बताने का कोशिश करेगा। तो उसमें मतलब प्रभु के लोगों का हरेक शब्दों में हमें कितना सावधान रहना, हमारा होठों से निकलने वाला शब्द कैसा होना, क्योंकि आपको मालूम है 19 वचन संहिता के 14 वचन में दाविद जो प्रभु का दिल का जैसा दाविद एक बड़ा गवाही देता है ना। 19 वचन संहिता के 14 वचन, मेरा मुंह का वचन मेरा हृदय का ध्यान तुझे तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। देखिए अभी यहां पर बैठा हुआ हमारे सबका हृदय के विचार क्या है, हमारा फोटो के शब्द कैसा है, हम एक दूसरे को मिलने के समय में हम क्या कहता है क्या बोलता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में प्रभु के लोग कैसे बात करना चाहिए, हमारा मन कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से निकलता है वो मुंह से आता है करके प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12:34 में कहा, उसके बी पार्ट में है ना। बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में जो भी हम मुंह से बात करता है वो दिल से निकलता है, कहां से निकलता, मन से है ना, अपने हृदय से ना। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग जो भी बात करते हैं, इसलिए मतलब सोक्रेटिस ने बोला ना, बेटे तू बोल मैं तुझको मतलब जान पाऊ मैं तुझको देख पाऊ। बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति की मुंह से निकलने वाला शब्दों के द्वारा हम वो व्यक्ति को समझ सकता है, जान पाता है वो व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, किस प्रकार का घर से हो, ये तक मालूम पड़ जाता है। इसलिए प्रभु के लोगों का शब्द में हमें सावधान रहना चाहिए। तो आपको मालूम है मनुष्य कई बार जो फिसल जाता है वो शब्दों में फिसल जाता है। आपको मालूम है शब्द को बहुत ताकत रहता है, और मानव वो शब्दों में बहुत से लोग फिसल जाता है। जब याकोब उसका बारे में तीसरा अध्याय बहुत सुंदर वर्णन करता है ना, मतलब मैं उस याकोब का भी पत्र में मतलब एक बात में आपको बताऊं, मतलब बहुत उदाहरण भी मतलब दृष्टांत भी याकोब बताता है उसका तीसरा अध्याय में है ना। जीव को मतलब खास करके तीन दृष्टांत वहां पर याकोब बताता है, जीव को मतलब खास करके तीन दृष्टांत। एक मतलब जो घोड़े को जो कंट्रोल करता है क्या बोलता है, लगाम, क्या बोलता है, लगाम। हाँ आप लोग मेरे को शब्दों में मदद करना, लगाम
आपको मालूम है लगाम नहीं होता घोड़ा कंट्रोल भी नहीं आता। जीव एक लगाम है, अगर आप जीव को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आपका जीवन के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ भी नहीं। आप देखिए बहुत बड़ी बात है, और हमारा जीव को कंट्रोल करना इतना आसानी बात नहीं। अगर लोगों को लगता है एक छोटा सा अंग है ना, देखो 32 फौजी को मैंने चारों तरफ खड़ा किया है, परंतु वो फौजी को भी वो नाक बाहर करके निकल जाता है, वो नहीं चल रहा 32 दांत है ना, वो दांत को भी वो पहरा देने वाला उनको भी वो मानो उसको तोड़ना कोई मुश्किल नहीं उसके लिए है, बहुत बड़ी बात है, डेंजर है। तो मानो उसका तीन का तीन बढ़ना या को देखा उसके सारे देह को हम कैसे घुमा सकता, लगाम के द्वारा घुमा सकता है जैसे चाहता है, नहीं तो घोड़ा किसी प्रकार भी कंट्रोल में नहीं आ सकता। जीव को एक लगाम करके बताया, देखिए है ना, मानो भजन संहिता में भी एक शब्द है उसका 32 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना, ये गंभीर बात है हमारे जीवन के लिए। हाँ घोड़े और खेचर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, वो समझ ही नहीं रखता तुम, इसलिए उस घोड़े के समान नहीं बनना, उसको समझ नहीं है इसलिए मानो हमें उसको कंट्रोल में लाने के लिए लगाम लगाना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, हमें ऐसा नहीं बनना प्रियो, हमको अपने जीवन में बहुत समझदारी के साथ काम लेना। देखा है ना, एक पहली बात मतलब घोड़े कंट्रोल करता है लगाव से है। अभी दूसरा वो दृष्टांत है उसका 4 वचन में कहा, देखो जहाज भी गति से ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार, छोटी सी पतवार के द्वारा मालिक को इच्छा के अनुसार, आपको मालूम है पतवार नहीं है तो जहाज बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा, पतवार के द्वारा जहाज कंट्रोल किया जाता है। इतना बड़ा जहाज को कंट्रोल करने वाला बात वो पतवार है, कितना छोटा सा रहता है आपने देखा होगा ना, उस पतवार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आप देखो प्रियो मतलब वो पतवार बहुत छोटा है पर बड़ा जहाज को वो पतवार कंट्रोल करता है। हमारा जीवन में हमारा जीव को इतना बड़ा सामर्थ्य है, आप देखो एक पतवार है, इसका मतलब क्या है कि ये जीव का गौरव अगर ठीक से नहीं जानेगा तो उसको सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके लिए कितना बड़ा नुकसान भी है। ये पतवार को भी अगर सही रीति में इस्तेमाल नहीं करेगा तो जहाज का नुकसान, इसलिए जीव एक पतवार का सामान्य होता है, जीव एक पतवार, इतना बड़ा जहाज को कंट्रोल करने वाला एक पतवार। तीसरा मतलब उसका 5 वचन में लिखा, जीव को किसको बताया, आग, आग। देखिए जीव एक छोटा सा अंग है शरीर में, एक छोटा सा अंग है, बोलता है मतलब बड़ा जंगल को जलाने के लिए बड़ा आग की जरूरत नहीं, एक छोटा सा अंग है, छोटा सा आग, एक छोटा मार्क्स बॉक्स का एक छोटा सा मतलब आग है, वो पूरा जंगल को आग लगा देता है। आप देखो तो जीव एक आग का समान काम करता है, अभी कितना शक्ति चेतावनी है, मतलब जीव मतलब घोड़े के लिए लगाव जैसा है ना, जहाज के लिए पतवार जैसा, और मतलब जंगल के लिए एक आग का जैसा है। हमारे जीवन को उसको अच्छा बनाना खराब बनाने का बहुत बड़ा सामर्थ्य ये जीव में है, इसका मतलब जीव को हमारे बातों को हमें कैसा संभालना, ये बात को ये वजन हमें सख्त चेतावनी देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत मतलब अनोखी बात है, जैसे अभी मैंने आपको बोला हमें अशुद्ध करने में ये जीव बड़ा काम करता है। यीशु मसीह ने मत्ती के समाचार उसका 15 अध्याय उसका 18 वजन, मत्ती उसका 15 अध्याय का 18 वचन,
जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखा, हमें अशुद्ध करने में बहुत भयंकर एक भाग निभाने वाला मेन एक भाग है हमारा शरीर का, ये जीव। देखो, जीव हमें अशुद्ध करता है। इसका मतलब हमारा जीवन में ये जीव का बारे में हम कितना भी स्टडी लेगा तो आज पूरा दिन भी लेगा तो ये इसका बारे में अपन उसका एक छोटा भाग भी पूरा नहीं कर सकता, है ना। जीव हमें अशुद्ध करता, इसका मतलब क्या है कि हमारा जीव से निकलने वाला शब्द हमें अशुद्ध करता, सुनने वालों को भी अशुद्ध करता, सुनने वालों को भी अशुद्ध करता। हमें कितना सावधान होना इस विषय में। जब आपको मालूम है, मैं पहले भी बोला, जो हृदय से निकलता है वो मुंह से निकलता है, जो हृदय से निकलता है, हमारे हृदय में अगर सही अवस्था नहीं है तो वो सारे बात ये जीव निगाह कर लाएगा, जीव निगाह कर लाएगा। एक बच्चे ऐसा काम करता है, है ना, वो मतलब अंदर का बात पूरा बाहर लाता है जीव। इसलिए प्रभु का भजन में एक सवाल ऐसा पूछता है ना, निजी भजन में, निजी भजन का किताब उसका 20 अध्याय का 9 वचन, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है। कौन कर सकता है मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, सबको मिल गया ना। निधि वजन 20 अध्याय का 9 वजन है। आप लोग जरूर ये वजनों को लिख करके, क्योंकि मैं एक एक वजन ज्यादा विस्तार से अभी नहीं बोल पाएगा, लेकिन इसका गौरव जानना, इसका महत्व जानना। अपने जीवन में मानो कौन कह सकता है कि मैंने मेरे हृदय में बिल्कुल प्रभु का वजन से भर दिया और मेरे हृदय प्रभु का आत्मा से भर गया है, प्रेम से भर गया है, मेरे हृदय में अभी कोई भी अशुद्धि की बात नहीं, कोई भी किसी के प्रति कोई नफरत कड़वाहट या कोई जलसी या ऐसा कोई भी बात नहीं, ऐसा कौन कर सकता है ना। बहुत बड़ा एक सवाल है प्रिय, हमारे जीवन में मतलब प्रभु में आने के बाद में आनंददा का उत्सव भा करके हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, ये बात को यहाँ पर जानना जरूरी बात है। तो ये जीव के बारे में बहुत जो लिखा हुआ, खास करके मैं आपको बोलता हूँ, बाइबल में बहुत बहुत बात लिखा है। याकूब वहां पर उसका 3:8 में, याकूब 3:8, जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। पहली बात, जीव को कोई भी मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता है। देखा, आप देखो, जीव को अपने वश में करने वाला बिल्कुल आत्मीय जीवन में सिद्ध है, वो परिपूर्ण है, वो व्यक्ति बिल्कुल विजयी है। आज से एक परिश्रम करो, मैं मेरा जीव को मतलब बिल्कुल पवित्र आत्मा की कंट्रोल में रह करके मैं इस जीव को इस्तेमाल करेगा। कितने लोग निर्णय लेगा, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब आपको याद होगा, युब एक बड़ा भक्त था, युब का जीवन में एक बड़ा निर्णय था। वो खुद एक सवाल के रूप में पूछता है उसका 6 अध्याय का आखिरी वचन, 30 वचन, क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है। देखो, मेरी वचनों में कुछ कुटिलता है, देखो बोलने का अर्थ क्या है, हाँ मतलब मैंने मेरे जीव पर लगाम लगाया है, मेरे जीव में कोई कुटिलता की बात तो मेरे जीव से मैं करता नहीं। आप देखो और उसका निर्णय क्या था मालूम है, उसका युब का बात है, युब 27:4, मैं यहाँ देखा, मेरी मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी। ओ, कितना सुंदर बात है भाई, कितने पवित्र लोग ये गवाही दे पाएंगे, है ना। उस समय में युव को कोई उद्धार का बारे में मालूम नहीं है, प्रभु के बारे में आज जितना हमें जानकारी है वो जानकारी युव के समय में कोई बाइबल क्लास लिया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, तभी भी उसको आत्मा में प्रभु ने प्रकाश दिया था। वो बोलता है मेरे जीव में, जीव से मैं कुटिल बात ना निकलेगी, और
मैं कपट की बात नहीं बोलूंगा, देखा, मैं कपट की बात नहीं बोलूंगा, एक निर्णय है प्रियो। पर जो आप सबको देखिए, एक दिन की शब्दों को थोड़ा परखिए, शायद शब्दों में कितनी बार झूठ बोला होगा अपनी मतलब के लिए, है ना, अपनी बातों को अपने आप दुनिया की फायदा के लिए कितनी बार ऐसे कहा होगा। बहुत बड़ी बात है। पहले बात, हम अपनी जीव को कंट्रोल करने में कहां तक हम विजयी है। जब 39 भजन संहिता में, 39 भजन संहिता उसका पहला भजन में दाविद क्या बोलता है, देखा, मेरी जीव से पाप ना हो, मैं चौकसी करेगा, दाविद का शब्द है प्रिय, और ताकि मेरे जीव से पाप ना हो, जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। देखा, अगर कोई आपको समझ में आता है ये दुष्ट है, ये मुझे धोखा देने के लिए आया, वो दुष्ट है, फिर ऐसा व्यक्ति के साथ ज्यादा बात करने के लिए जाएगा तो बात में क्या निकलेगा, भाव निकलेगा, भाव निकलेगा, है ना। इसलिए वो बोलता है कि जब दुष्ट मेरे सामने है तो मैं क्या करेगा, लगाम लगाएगा, जीव को लगाम लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी लगाया, ऐसी अवस्था हुआ दुष्टों के साथ, कभी ऐसा व्यवहार हुआ है दुष्टों के साथ का व्यवहार में क्या करना, हाँ उस समय में एकदम लगा लगाना, नहीं तो मुंह से निकलने वाला, ये मुंह से निकलने वाला बात हल्का नहीं जानना, बहुत गौरव का बात है। आपको मालूम है मारा मोशा का मुंह से एक शब्द निकला, वायदा के देश में पवित्र लोग लेकर जा पाया नहीं जा पाया, शब्द मुंह से निकला हुआ शब्द, अरे शब्द का महत्व है कि नहीं है ना, शब्द का बहुत बड़ा गौरव है प्रियो, है ना। हमारे शब्द में जब 18:21 में क्या लिखा, जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में होता है। देखा, जीवन और मृत्यु बहुत गंभीर बात है। कई बार लोग मेरे छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके कुछ भी बोल देता है। प्रियो, आपका मुंह से निकल गया ना, मैं कई बार बोलता हूं, मुंह से निकला वो शब्द और हाथ से निकला पत्थर दोनों भारी नुकसान देगा। किसी को हमने क्या कर दिया, पत्थर फेंका, फेंकने के बाद नहीं फेंकना था, मर गया, नहीं फेंकना था, मर गया, मरने के बाद सोचने से कोई फायदा क्या, फेंकना तो फेंक दिया। मुंह से बोलना नहीं बोलना था, वो बातों में जाकर के लोग मर जाते हैं। बातों में कितने लोगों ने वासी दिया, बात लोगों को इतना घात किया, बहुत डेंजर है। हमारा ऊंटों को संभालो, हमारा जीव को संभालना भी प्रभु के लोग, हमेशा ये बात में सावधान रहना। इतनी बातों में शायद इसका सीरियसनेस नहीं जाना। आपको मालूम है जब कोर्ट में जाता ना, वहां पर अपना स्टेटमेंट बदलेगा तो भयंकर सजा है, भयंकर बात है, अपन बदल नहीं सकता। मुंह से निकलने वाले हरेक शब्दों के बारे में हमें बहुत सावधान रहना। बाइबल ये बात उड़ाकर कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग कई बार कई बातों में इतना सावधान नहीं रहता, ये हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये बात हम लोग देखता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे ओटो में से निकलने वाला बात उसमें क्या लगा है, उसमें क्या लगा। आपने वो याकूब 3 पढ़ा था ना, 8 वचन वापस एक बार पढ़ना, देखा, प्राण नाशक विष, देखा प्राण नाशक विष, वो एक एक शब्दों में हम लोग थोड़ा ध्यान करेगा तो जीव में प्राण नाशक विष है, विष, बाप रे, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत लोगों के जीवन में मृत्यु ला सकता है, मतलब सांप का विष से भी मुंह का विष या जीव का विष कठिन नहीं बोलता है,
सांप का विष से भी, सर्प का काटने से भी भयंकर है जीव का विष। आपको समझ में आया? सर्प काटने से भी लोग बच जाते हैं, लेकिन जीव का जो विष जो है उसमें लोग बचता ही नहीं, अंध होता है, मृत्यु होता है, नाश होता है। इतना डेंजर है ना, हम लोगों ने इसका सीरियसनेस जाना। हमारे जीवन में कई विपत्ति, बीमारी तक, बहुत से बीमारी लाने का भी पीछे मेन बात अंग ये, इसलिए डॉक्टर के पास जाते ही पहले बोलते रहे जीव बार कर, क्योंकि आपका जीव ठीक है तो बाकी सब ठीक है। बहुत बड़ी बात है, मेडिकल का लोग बहुत है इसलिए आपको सबको मालूम है। मैं तो इसलिए डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि दिखाने की जरूरत नहीं। अपने को संभालना कितना बड़ी बात है। प्रियो, ये जीव के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी लोग ये बात, या आप उनका भजन में 140 का तीसरा भजन जरा पढ़ना, 140 का तीसरा। उनका बोलना सांप का काटना सा है, देखा, उनका बोलना सांप का, सर्प काटना जैसा है, सर्प काटना जैसा है। हाँ, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है, देखा, नाग सा का विष रहता है। बाप रे, इसलिए हमारे साथ बात करने वालों को समझना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि ये हमारा अच्छा भविष्य चाहता है या ये हमें धोखा देने के लिए आया है, क्योंकि उसके मुंह से आने वाला बातों पर हम ध्यान करेगा तो शायद हमारे जीवन में प्राण का मृत्यु होने का खतरा रहता है, हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट आने का खतरा रहता है। इसलिए ये भी हम जब सुनेगा वो बात, हमें ध्यान से उस बात को ध्यान करना भी, क्योंकि कई लोगों का जीव से आने वाला बहुत मीठा मीठा बातों के पीछे भी वो विष रहेगा। हमको बहुत अच्छा लगेगा, अभी एदन वाटिका में आया हुआ सर्प का बातें कितना अच्छा था, डरता है क्या मरेगा, नहीं मरेगा ना, कसम ना कर बोलता हूं। अभी क्या है, उसको कसम खाने में कोई दिक्कत है क्या है? वो कसम कसम गा करके, दस बार कसम गा करके बोलेगा। प्रयोग समझना, प्रभु का वचनों को इसलिए जानना बहुत जरूरी बात है। उसके साथ कोई बात को, मतलब रोमियो का पत्री में उसका तीसरा अध्याय का 13 वचन, उनका गला खुली हुई कब्रें है। हाँ, देखा, उनका गला क्या है, खुली हुई कब्रें, भाई क्या है, बदबू आएगा। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, देखा, उनकी होठों में सांपों का विष, देखा, सांप का विष है। बहुत डेंजर बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे शब्दों में है, मतलब एक व्यक्ति अपने शब्द को कंट्रोल कर पाएगा तो प्रभु की दृष्टि में वो बिल्कुल सिद्ध है। कोई याकूब उसका तीसरा अध्याय का दूसरा वचन में वही देखता ना, इससे हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, ये बहुत बातों में चुक जाता है जो कई वचन में नहीं चुकता। हाँ, देखा, अगर आपके कंट्रोल में मुंह आ गया, ये जीव आ गया, तो उनका बारे में कहता है, अगर जो व्यक्ति इस वचन में नहीं जुटता वही तो सिद्ध मनुष्य है, सिद्ध मनुष्य और सारे देह पर लगाम लगा सकता है। वो मनुष्य सिद्ध है, कौन, इस जीव को अपना वश में लाता है। अब बताओ कितने लोग यहां पर बैठ करके अभी ये वचन सुन रहा है, कितने लोग बोल सकता है कि आप सिद्ध है? प्रियो, क्या क्या बात है, छोटा सा नाराजीपन में क्या क्या बात बोल रहे थे, थोड़ा गुस्सा आ गया तो फिर पूछो मत, कंट्रोल ही नहीं, ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हो गया इसे गाड़ी ए, क्या बात है। प्रियो, हम लोग प्रभु के लोग होते हुए भी हमारा थोड़ा सा गुस्सा में, थोड़ा सा नाराजीपन में हम लोग क्या क्या अविवेक बोल देते हैं, बोला है कि नहीं, कंट्रोल कर पाता है क्या, नहीं है ना प्रियो, हमारा बहुत बड़ा कमजोरी है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिद्ध बनना है प्रियो, हमें सिद्ध बनाने वाला बात, पहली बात ये जीव है, साथ ही साथ एक ये जीव है, जीव वजन के आधार में, क्योंकि पारा योगना में है ना, पारा योगना 2:5 में एक वहां पर जो लिखा है सिद्ध मनुष्य के बारे में, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम से
सिद्ध भाई, प्रभु में वो सिद्ध हो। देखा, मानो जो प्रेम करेगा तो वो बात ऐसे बात करेगा भी नहीं, ये भी बड़ी बात है। ये बात हमें कितना अधिक ध्यान देना चाहिए प्रियो हमारे आत्मीय जीवन में। आज मैं मेरा जीव के बारे में एक मेरे ये छोटा सा एक अंग के बारे में मैं सोचूं, अरे कितना एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है ना, ये जीव को मैं अपने वश में ला पा रहे। जीव से निकलने वाले शब्दों का कई रीति का अर्थ निकलने वाला बात बाइबल में दिया है। मैं कुछ शब्द आपको पढ़ाऊंगा, मतलब वो भी एक लाभ का कारण बनेगा। जीव से निकलने वाला शब्दों का, शब्द का कई अर्थ रहता है, वो अर्थ के बारे में जीव से निकलने वाला उन बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब नीति वचन उसका 15 अध्याय है, नीति वचन उसका 15 अध्याय का पहला वचन का भी पाठ, कोमल उत्तर सुनाई से, कोमल उत्तर है, कोमल उत्तर, हाँ क्या बोले, कोमल मनस सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, हाँ, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। हाँ, दो बात हुआ, देखा दो बात, कोमल उत्तर सुनने से क्या होता, गुस्सा ठंडा हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है ना, गुस्सा ठंडा हो जाता है, गुस्सा ठंडा होने लायक कोमल उत्तर देना भी है, परंतु ये बात हमसे होता ही है ना, कोई कोई कुछ गुस्सा से कुछ बात किया तो हम डबल गुस्सा में बात करता, ऐसे है ना हमारे स्वभाव कैसा है, थोड़ा भी कोई व्यक्ति थोड़ा चेहरा बदल करके ऐसे थोड़ा सा देखेगा तो हमको गुस्सा आता है, फिर तो उसके साथ कुछ बोल दिया तो हम डबल गुस्सा में आ जाता है ना, ऐसा नहीं भैया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मानव मार्टिन लूथर एक बार बहुत मानव नहीं मार्टिन लूथर नहीं ये सोक्रेटिस की बात है, सोक्रेटिस ऐसे ही मतलब ध्यान में बैठा था, बैठे के टाइम पर उसका पत्नी कई बार उनको मतलब बुलाया वो सुना नहीं, उसको आया गुस्सा, उन्होंने क्या किया, गोबर का एक मटका में पानी भर करके गोबर डाल करके मतलब उसको हिला करके ला करके सोक्रेटिस का सिर पर डाल दिया, उल्टा कर दिया पूरा एक मटका पानी, क्या करेगा अभी हमारे ऊपर गोबर का किसी सादा पानी भी डालेगा तो है? ये गोबर का पानी हिला करके सोक्रेटिस के सिर पर डाला, सोक्रेटिस ने पत्नी की तरफ देखा, बोला इतना बड़ा बादल और इतना हल्का बारिश, समझ में आ रहा है, इतना बड़ा बादल, चेहरा अभी भी बहुत क्रोधित है, बहुत भयंकर इन्हीं पे, और तो सोक्रेटिस बोलता है तू तो इतना गुस्सा में क्यों, तूने क्या किया, ऐसे बोला नहीं बोला, देखा कोमल उत्तर, वो बोलता है इतना बड़ा बादल पे इतना हल्का बारिश, उसका पूरा गुस्सा ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, देखा, नहीं तो शायद वही मटका से सिर पर मार देता क्योंकि गुस्सा मटका हुआ ना, अभी तो उसे पानी ही डाला पर तो अगर गुस्सा मटकाने वाले बात रहता तो वो गुस्सा में, ऐसे भी होता है ना, ऐसे भी होता है कई बार बात बातों में गुस्सा होकर के, बात बातों में गुस्सा होकर के लोग मतलब ऐसा कार्य करता है क्योंकि बहुत नुकसान पहुंच जाता है। प्रियो हमारे जीवन में हम बात कैसा करता है, वापस एक बार पढ़ेंगे, वो देखो दो शब्द का दो प्रयोग दो उपयोग वहां पर बताया, कोमल उत्तर क्या करता, ठंडा हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है। मैं आपको बोलते ना, आपको काटने के लिए आने वाला कुत्ते को आओ हंस करके दिखाओ, वो कुत्ता का नहीं करेगा, आप देखो परे को देखो, परंतु आपको देखने वाला उस कुत्ते को आप थोड़ा गौर से देखो, पक्का आपके पीछे आएगा, जब करेगा। एक एग्जाम्पल में आप बोलता आप परख रहे जाते वक्त क्योंकि मेरे खुद ये बात को परख है, और गुस्सा से देख लिया तो मेरे को क्या आग दिखा रहा है देखा, कुत्ता भी नहीं छोड़ता, फिर बारिश छोड़ेगा क्या,
फालतू में कितनी लोग ऐसी छोटी छोटी बातों में, उसने गुस्सा से देखा, इसने भी गुस्सा से देखा, आखिर में मैं चाकू चला है तो क्या करेगा। देखो अरे शब्द शब्द कैसे आया वो उसको और भी मतलब गुस्सा दिलाने वाला बात। देखा प्रियो हमारे शब्द कैसा काम करता है, शब्दों की गलती के कारण कितनी परिवार में फूट होता है, कितने दोस्ती में फूट होता है, मंडली में तक बहुत भयंकर बिगड़ा हुआ बात आता है शब्द के कारण, है ना। हमारा शब्द कैसा है अभी यहां पर ये शब्द का दो प्रयोग बताया। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, जब मलाकी उसका तीसरा अध्याय का तेरह वचन ये शब्द हमारा शब्द का मतलब विशेष खूबी बताने वाला बात है। मलाकी तीन का तेरह यहोवा यह कहता है तुमने मेरे विरुद्ध रिटाई की बातें कही है परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। हाँ मतलब आपको समझ में आया, बिना आदर का शब्द क्या बोलते हैं, बिना आदर का शब्द। हमेशा हमें आदर का शब्द बोलना चाहिए, आदर का शब्द बोलना चाहिए ना। मतलब कई बार कई लोगों का शब्दों में आदर नहीं है, कैसा भी मतलब अभी मैं तो दादी को भी पूछता है तो आप कैसे है? है मैं हमेशा आप करके बोले, वो छोटा है, है? तू भी बोल सकता है। आज कई लोग क्या करते हैं ना, बड़े लोगों को भी तू मैं आपको बोलूं ना, आप बात ही मत करो, आपका शब्द मुंह बंद करो, ऐसा कभी भी किसी को तू करके नहीं बोलो, तुम करके भी मत बोलो, तुम करके भी बोलना इतना अच्छा नहीं, हमेशा आप करके बोलो। और कभी भी सोचना मतलब कभी भी आप आपके साथ भी बात करने के ड्राइवर मुझे पकड़ो, मैं कभी भी आपको आपके अलावा ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब मैंने जीवन में लिया हुआ, बहुत पहले लिया हुआ निर्णय। पहले अपन तू करके बोलता था प्रभु में आने से पहले, क्योंकि इसका गौरव नहीं जानता था। प्रियो हरी के साथ बात करने के टाइम पर मैं छोटा सा मतलब यहाँ के साथ भी बात करेगा तो आप ऐसे छोटा बच्चा है तो भी मैं आप बोलेगा है, आप कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा है, तुम कितना अच्छा है, ऐसे नहीं। वो शब्दों में भी सुनने वालों को तक इफेक्ट पड़ता है, रिजल्ट है ना। अगर आप किसी व्यक्ति को तू बोल करके बात करता है ना, और आप एकदम नीच करके बात करता है, एकदम नीच करके बात करता है, आप एकदम दूसरे को तुच्छ करता है, कभी भी ऐसे नहीं करना। फिर समझ में आ रहा है, हमको बदलना चाहिए, बदलना चाहिए ना। अभी यहां पर लोग प्रभु को भी छोड़ता नहीं, आप बताओ प्रभु को भी आदर नहीं देता, हमें कितना आदर के साथ बदलना चाहिए फिर है, कितना आदर के साथ बदलना चाहिए। अपन अभी प्रभु को यहां पर लोगों ने तुच्छ किया, प्रभु को आदर देकर के बात नहीं किया। हमें हर एक के साथ प्रभु को आदर देना, अपनी भाई बहन को आदर देना, ये बात बहुत अच्छी बात है। मेरे को आप सबसे बहुत नंबर बिंदी है। अभी अभी मैं कभी आपको पकड़ेगा तो आपको दुख तो नहीं आएगा आपको सुधारने के लिए, ये सुधारने वाला बात किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी भी आप तू करके कभी भी बात ना करने के लिए प्रयास करो, हमेशा अपने शब्द में मतलब दूसरे को आदर हो ना। नहीं तो क्या होता है, एक प्रकार आपकी बातों में भी मालूम पड़ता है आप बहुत घमंडी है, क्योंकि आप दूसरे को बहुत तुच्छ समझता है और आप अपने आप को ऊंचा समझता है। बातों में आने वाला गिरावट समझ में आया, सुनने वाला बात में व्यक्ति बोलेगा यार ये बहुत घमंडी है, क्योंकि मेरे को तू बोल के बात करता है और मैं उनको आप बोल के बात कर रहा हूं तो भी वो मेरे को तू बोल के बात करता है। पिछले दिन में ऐसे एक बड़ा केस हुआ है, मतलब एक पुलिस वाला लोग, अभी पुलिस वालों को आपको मालूम है भाषा कैसे होता है, एकदम गुंडा ही समाचा। अगर वो एक एक्स्ट्रा आर्मी मतलब ऑफिसर था, वो हमेशा वो ऐसा ऐसा बात किया तो उन्होंने बहुत शांत रीति में बोला कि आप लोग ठीक से बात करो, परंतु पुलिस वाला बोला तू क्या करेगा, देखा देखो दिया तो होगा पढ़ो,
वहां पर फिर समस्या हो गया, लेकर गया उधर जाके बहुत पिटाई किया। परंतु बात क्या है, वो शब्द शब्द ने उनको मतलब ये बात बहुत अभी केस कर दिया, और वो जो पुलिस वाला ऐसे किया था उनको डिसमिस कर दिया, सर्विस फ्रॉम मतलब सर्विस से डिसमिस कर दिया, क्योंकि पुलिस का वो मतलब अर्थ भी उन्होंने ना जानकर व्यवहार किया, बहुत सख्त मतलब उसका कार्रवाई हुआ। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में हमें जानना है हमारे शब्द कैसा है, हम किसी के साथ भी प्रभु के साथ भी बात करने के टाइम पर अपन कितना नम्र होकर के प्रभु को आदर करके बात करना चाहिए। कई बार प्रभु को भी आदर ना देते हुए लोग शब्दों में उपयोग करता है, ये बात बहुत गलती की बात है, बहुत दुख की बात है। प्रभु के साथ भी हो, अपने आपस में क्यों ना हो, हमेशा बात करने में आप लोग हमारे शब्दों में जरूर मानव दूसरे को सम्मान करने वाला स्वभाव हमेशा रहे, सावधान। ओके, अभी मानव और एक बात है शब्दों के द्वारा, पड़ोसियों दूसरा अध्याय का 4 वचन देखिए, यहाँ पर एक बहुत भयंकर धोखा खाने वाला शब्द है, आप लोग आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लुभाने वाली बातें क्या है, लुभाने वाली बातें हमको डुबा देगा है, धोखा गिराएगा। बहुत लोगों में इतना चतुर लोग है, वो लोग अपनी मतलब निकालने के लिए कुछ भी ऐसा लुभाने वाली बात बोलकर उसको फंसाएगा। प्रियो हम किसी को मत फंसाना, प्रियो किसी को भी मत फंसाना, ऐसे बातों में प्रभु कभी भी आनंद नहीं देगा, क्योंकि प्रभु को हम किस मतलब से बात कर रहा है प्रभु को मालूम, प्रभु को मालूम है ना। कई लोगों का बात सुनेगा तो ये बहुत सिंसर रहेगा, ये बिल्कुल विश्वासियों की रहेगा, ऐसा हमको लगेगा, परंतु वो हमें डुबाने वाला बात करता है, वो धोखा देने के लिए। इसलिए लुभाने वाली बातें में हमें सावधान रहना, और ये बात हमारे से ऐसा कोई काम ना हो, दूसरी बात हम ऐसे बातों पर भी ना फंसे, सावधान रहना भी हो। हमें जरूर शब्दों को भी पहचानना चाहिए, जानना चाहिए प्रियो, क्योंकि हम ऐसा एक समय में आ गया, इसलिए कई रीति में मतलब आत्मिक विषय में भी डुबाने वाली बातों से लोग हमको धोखा दे सकता है, इसमें हमें सावधान रहना, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना। और एक बात, दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन मतलब शब्द का कुछ सविशेषता मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको बहुत ध्यान से समझना। 2 पत्रोस 2 अध्याय उसका 3 वचन वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे। हाँ देखा, मतलब वो अपने खुद के लाभ के लिए बात बढ़ा बढ़ा कर कर करके आपको फंसा दे। देखा, शायद चाहे तो आपका आपको जीतने के लिए बहुत आपका तारीफ भी करेगा, बहुत तारीफ करेगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ना, जो मतलब 2 पास्टर लोग एक फॉरनर का घर में गया, घर में जाने के टाइम पर मतलब एक व्यक्ति पहली बार आया, दूसरे व्यक्ति कई बार जाता था, तो मतलब वो जब भी आता है तो वो फॉरनर मतलब मैडम उनको कॉफी वाला पिलाता है, है? तो मतलब ये व्यक्ति मतलब दूसरे दोस्त को अभी उधर ही गया बात किया, मैं चाय बना कर लाता बोल के मैडम अंदर गया, तब एक पास्टर दूसरा पास्टर को बोलता है, ए तुम क्या करना, तुम उसका थोड़ा तारीफ कर लेना, तारीफ किया तो एक कवर मिलेगा, कवर मोटा रहेगा, नहीं समझा, तभी उनको उनको जो व्यक्ति तारीफ करके कुछ बातें करेगा तो उनका मन पेट खोलेगा और मोटा पैकेट आएगा, ऐसे नहीं करेगा ना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी आता है तो उनको औजारों तारीफ कर देता है, तारीफ में वो भग जाता और वो मुझे तोहफा देता, ठीक है ना। अभी ये बात मानो उन्होंने चाय बनाकर लाया, लाने के बाद में मानो उन्होंने बोलो मैडम आप कितना तकलीफ उठाता है, आप कितना प्यार करता है, वास्तव में आप बहुत तारीफ करी होगी, आप वो आपका कितना भी तारीफ करूं तो कम है, आप बहुत प्यार करता है, आप तो किसी को भी छोड़ता नहीं, बहुत सेवा करता है, प्रभु का कितना आपसे महिमा होता है। नहीं नहीं ऐसे करो, मैंने उधर गया
उस समय में जो बात किया वो बोलो, है वो बोला क्या? नहीं नहीं, अभी मैं जो चाय बनाने के लिए गया ना, उस समय में आपने जो बात किया वो बात बोलो, क्या कर रहा था? अभी तो आप मेरे सामने बोल रहा ना, मेरे पीछे से क्या बोला? क्योंकि वो उधर भी लगा हुआ था, इनका पूरा हरकत था, वो उधर भी देख रहा था, इनको मालूम नहीं, वो पूरा सुन रहा था, है? अभी बोला, अभी तुमको बोलने में तकलीफ है तो मैं तुमको सुनाता हूं। उन्होंने सुनाया, उन्होंने बिना चाय पीकर भाग गया, बिना चाय पीकर के भाग गया, समझ में आया ना? हाँ, प्रभु का वचन जो कहता है प्रियो, मेरे जीवन में कई रीति में ये दुनिया में रहने के समय में धोखा देने वाले लोग हमें मिलेगा, सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। अब जो भी काम करता है ना, बहुत प्रभु के आत्मा का अगुवाई में प्रभु का महिमा के लिए करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हमारा हर एक काम को शायद नीति वचन 5:21 में एक शब्द ऐसे लिखा है, मानव 5:21 में देखना, क्योंकि मनुष्य की मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है, और वो उनके सब मार्गों का ध्यान करता है। एक्चुअली ध्यान करता है नहीं, तोलता है, वो वही शब्द है, वो उसका हरेक कामों को तोलता है, ऐसा आना चाहिए। प्रभु हमारे हरेक कामों को तोलता है, तोलता है, वचन करता है, मतलब उस बात को मतलब परखते रहता है, बहुत ओरिजिनल शब्द में आप वहां पर लिख कर रखो ना, तोलता है आपका हरेक चार चरण को, तोलता है, आप साइड में लिख कर रखना, ओरिजिनल भाषा में तोलता है, ऐसा है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी हम लोग यहां पर आया, शायद कई लोगों मन में सोचा होगा प्रभु का दास हमको छोड़ता नहीं, अरे आज कल सहमति नहीं होते थे क्या होता, ऐसे भी कुड़कुड़ाया होगा, अभी हमको मालूम पड़ा तो हमने सोचा इतना अधिक संगति करेगा तो लोगों का और भी लाभ मिलेगा, आशीष मिलेगा, प्रभु का महिमा हो जाएगा। और जो कई लोगों को वो थोड़ा आराम करेगा, सोचो छुट्टी में भी आराम नहीं देता, प्रभु का दास हमारे पीछे लगा हुआ है, ऐसे किसी को लगता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, इतना दुख भरा बात है ना प्रियो। प्रभु हमारा हरेक काम को तोलता है, हम बात करता है तो बात के पीछे क्या उद्देश्य है वो भी प्रभु तोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आज जब प्रभु की उपस्थिति में आपके सामने जब मैं खड़ा हूं, उस समय में मैं आपको बताऊं कितना देरी से उठ करके प्रभु के साथ बात किया, प्रभु ने मेरे को ऐसे दे रहा था, प्रभु बस बस बस, वो अलेक्सांडर ने बस किया ना, प्रभु और ले रहे, मैं बोला प्रभु ये कब तक बोलेगा, पूरा दिन बोलेगा तो भी खत्म नहीं होगा, ऐसा बात दिया। प्रियो एक बात है, प्रभु हमें देता है तो अपने धन और महिमा के अनुसार देता, अभी भी कम नहीं करता, अभी भी कम नहीं करता। कई लोगों को क्या होता, भजन बोलने के लिए वो खींचता है, अब सुनने वालों को भी भार पड़ता है, इसका संदेश खत्म हो गया, अभी वो सिर्फ खींच रहा है खींच रहा है, संदेश भी भार पड़ जाता, पर हमारे जी बीच में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, खींचने वाला सवाल ही नहीं, जो लाता है उसका एक अंश भी दे नहीं पा रहा, ये एक कमी है हमारे को, समय का कमी रहता है, क्योंकि लोगों समय के बाद में कई लोग घड़ी देखने लगता है, मैं भी तो देखता है, हाँ सही बात हो, लोग सही बना रहे, पर प्रभु दास को आजाद दिलाता है, नहीं नहीं जाता, नहीं बार नहीं है क्या, नहीं बार में, इसलिए कोई पाप ना करने के लिए फिर समय प्रबंध कर देता है, तो प्रभु का धन्यवाद। तो इसलिए हर एक बात प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि आपको बातों में कोई फंसा करके धोखा देने वाला ना बने। मैंने ऐसा बहुत लोगों को सामना किया है और मैं बच गया, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई लेता हूं, प्रभु की आत्मा, चाहे वो निराश भी होने दो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु इसके पीछे है क्या, प्रभु की इच्छा है क्या, ये बात बिना पूछते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे खाना हो या किसी को खिलाना है तो भी मैं पक्का पूछता हूं, प्रभु ये व्यक्ति खिलाने के लायक है क्या, प्रभु की ओर से है क्या, ये भी अगुवाई लेना चाहिए ना, लेना प्रियो। हर काम हमें प्रभु को पूछने वाला स्वभाव चाहिए, हर दम प्रभु के चेहरे की ओर देखना चाहिए, वो ऐसे लोगों से प्रभु को बहुत खुशी है। ओके, आज सुबह में उठते ही मेरे को प्रभु ने बोला कि जगाओ जॉन सिस्टर को, नहीं तो वो सो जाएगा, आज नहीं आएगा। मैंने तुरंत जगाया 1:45, वो बोला अच्छा हो गया आपने, मैं भूल गया था, भूल जाता ना दोस्त, नहीं सिस्टर बुरा नहीं मानना है, सही बात है ना, हाँ देखा ऐसे बात है, मतलब
मैं बोलने की अर्थ क्या है कि पवित्र आत्मा मेरे प्रार्थना के बीच में बोला तुरंत मिलेगा यार। तब ओ जल्दी तैयार होकर के जल्दी आए, जो भी है मैंने बराबर टाइम पर प्रभु वो जगा देता है। उनकी इच्छा था आने का लेकिन भूल गया, गलती मानो चेतन बहुत चल, भूलने वाला स्वभाव अच्छा है पर जो भूलना चाहिए वही भूल रहा। कई बात कई बात क्या होता है, जो नहीं भूलना चाहिए वो भूल जाता है, जो भूलना चाहिए वो नहीं भूलता, उसमें भी थोड़ा धोखा होता है। ऐसा भी नहीं होना। ओके प्रभु आपको आशीष दे। तो उसी का 18 वचन भी पढ़ना, दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 3 वचन भी आपने पढ़ा, उसका 18 वचन भी पढ़ना। व्यर्थ घमंड की बातें करता है ना, कई लोग क्या बार क्या होता घमंड की बात करता है, ओ मैंने ये तीर मारा वो तीर मारा, सिर्फ घमंड की बातें हो, सच्चाई नहीं। घमंड की बातों में नहीं फंसना प्रियो, घमंड की बातें वो बातों में ही अगर हम प्रभु के आत्मा में रहेगा तो वो बात मेरा आपको आचार में आएगा। घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। देखो बहुत भयंकर रीडी में वो फंसाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में बात कैसे कैसे बात आता है, वो बात सुनने के समय में कई लोगों का गवाही के शब्द सुनते ही मालूम पड़ता है ये बहुत भयंकर झूठ है। बिल्कुल उसी समय में प्रभु की आत्मा हमको बताएगा, शायद हमारा दिल बहकाने वाली बात हो सकता है लेकिन प्रियो वो बात में झूठ रहेगा, घमंड की बात रहेगी। तो हमारी उस ऑटो से कभी घमंड की बात ना निकले। और एक बात है, ऐसा शब्द कहने वाले लोग है तीसरे ही हो ना उसका देश हो जाए। ये सब वजन में एक वजन में भी रुक करके बहुत बात बोलने के लिए, लेकिन इतने नहीं आपको मैं वो शब्द को पहचानने के लिए बता रहा हूँ। तीसरी योगना, योगना का तीसरा पत्र एक ही चैप्टर है उसका 10 वचन। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। बुरा भला कहते हैं, देखा बुरा भला कहते हैं, देखा आपको मालूम है कई बार संदेश सुनने के बाद में उसके ऊपर लोग बुरा भला कहता है ना, बुरा भला कहता। प्रियो प्रभु के लोगों के लिए वो बात अच्छा नहीं, बुरा भला कहने वाला बात अच्छा नहीं। और आगे इसमें जब मैं आऊंगा तो उनके कामों को जो वह कर रहा है सुधी दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके बुरी बुरी बात बोलता है। बुरी बुरी बात बुरी बुरी बात बोलता, कई लोग कई बार बुरी बुरी जान पूछ करके लोगों को बुरी बुरी बात करके निंदा करता, ये बात में भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम किसी का भी बुरी करता है बुरी कहता है, पहली बात अगर हम मैंने उनका बुरा होने के लिए नहीं कहना, कोई मनप्रावट के लिए बोलने वाला बात है तो अच्छी बात है। वो लोग ऐसा मैंने उनका जीवन में कोई बुरी बात है तो वो उसे मन फिरने के लिए बोलने वाला बात है तो अच्छी बात है, प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए। बुरी वाली बात नहीं कहना। और ईयोब उसका 6 अध्याय उसका 25 वचन का शुरुआत पढ़ना। ईयोब उसका 6 अध्याय उसका 25 वचन का शुरुआत। सच्चाई के वचन में कितना प्रभाव होता है। देखा सच्चाई का वचन उसमें जीवन में प्रभाव होता है। सच्चाई का वचन होना, सच्चाई का वचन सत्य होना बोलने का, बोलने वाला बात ना कई बार कई लोग बोलते हैं अरे उसका कहने में कोई विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि उसका बात सच नहीं रहता, सच नहीं रहता। प्रियो सच्चाई की वजन ये बहुत बड़ी बात है। हमारा वजन सच्चाई है क्या या हम झूठ मिलाता है क्या? सच्चाई की वजन नीली वजन उसका 16 अध्याय का 24 वजन, नीली वजन उसका 16 अध्याय का 24 वजन। देखा मन भावनी वचन प्रियो वास्तव में प्रभु आनंदित होने वाला वचन है, ये हमें सचमुच में आनंदित कर लेगा। प्रभु का वचन संदेश आने के टाइम पर हमको कैसे लगता? प्रभु का वचन का खूबी क्या है? मधु से भी मीठा है, लेकिन कई लोगों को वचन मीठा नहीं लगता क्योंकि शायद उनकी अवस्था ऐसा रहेगा। देखिए प्रियो
मन भाव नहीं बचे, हमारे जीवन के लिए कितना आश्वासन देता है, कितना प्रोत्साहन देता है, कितना हमें मतलब अनुग्रह या उन्नति देता है। निधि भजन में ही 25 का 11 बजे पढ़ना, निधि भजन उसका 25 या 11 बजे। जैसे चांदी की टोकरिया में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, वो इतना मूल्यवान बात रहता है। आप आया, ये वचन बताया, हमें बहुत छुटकारा मिला, बहुत आश्वासन मिला, है ना। आप सही समय पर प्रभु ने आपको भेजा, सही समय पर, क्योंकि हम इतना दुखी था, अपन इतना निराश में था, लेकिन आपको प्रभु ने ठीक समय पर भेज करके इन वचनों की द्वारा हमें प्रोत्साहन दिया। ये वचन हमारे लिए बहुत सांत्वना का कारण बना। हम लोग कई घरों में जाने के टाइम पर कई बार लोग दिया हुआ गवाही है ना, मतलब आप ठीक टाइम पर आया, ठीक वजन दिया, मतलब वजन ठीक है, ठीक टाइम पर बोला, फिर भी लोग बना नहीं देता, कितना दुख की बात है ना। मैं सोचता हूँ हम लोग अपने इधर से गया हुआ एक भाई के घर में पहुंचता तो बराबर बोलता है, आपने एकदम हमारे जीवन को छू कर बात बताया, हमारे घर का अवस्था जान करके बात किया, हमारा अभी का अवस्था जान कर बात किया, ये सारे बात सुनने के बाद बोलने के बाद में अभी भी नहीं देखा, कितना दुख भरा बात है। प्रभु का वचन, प्रभु का लोग, जब प्रभु हमारे पास भेजता है ठीक समय में ठीक बात बताता है, ठीक बात बताता है, वो वचन बराबर काम करता है, उसका इक्लेशियंस सदुपदेश उसका 10 अध्याय का 12 बजे पर अनुग्रह होता है। बुद्धिमान के वजन के कारण क्या होता है, अनुग्रह होता है। परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा होते हैं। देखा एक सच्चा बुद्धिमान की नाइंद कार्य करना, बुद्धिमान की नाइंद कार्य करना, वजन सॉरी ये चाहिए उसका 50 अध्याय उसका 4 वजन। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल। देखा ये वजन क्या करता, थके हुओं को संभालता है, संभालता है, संभालता है। प्रभु ने अपनी चेलों को ऐसा वजन देता है जबकि वो इतना थका हुआ अनुभव में भी क्यों ना हो, प्रभु ये वजन के द्वारा उनको संभालेगा। उनको जो भी कहना है तो वजन के द्वारा बताएगा, और वो वजन को स्वीकारने वाला एक दिल चाहिए, प्रभु का वजन को स्वीकारने वाला दिल चाहिए। प्रियो प्रभु का वजन के द्वारा आपको मालूम है, पहला तसलोनिकियों में 4 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, ये वचनों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो, सांत्वना दिया करो, बहुत बड़ी बात है। वचन के द्वारा अपन कोई भी अवस्था में रहने वाले लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा बात बताएगा तो वो सांत्वना का कारण बनता है, बनना ही चाहिए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। प्रभु ने हमें ऐसा जीव दिया है ताकि वे लोगों को संभाल पाओ, संभाल ना पाओ, बहुत बड़ी बात है। 2 क्रॉनिकल 10:7 दूसरा इतिहास उसका 10 अध्याय का 7 वचन। उन्होंने उनको ये उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधु बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहे। देखा ये सलमोन का बेटे को दिया हुआ लोगों का, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, बुढ़ा लोगों का ओपिनियन, लेकिन उन्होंने ओपिनियन को लिया नहीं। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हम लोगों को सही बात, अच्छा बात कहे, बहुत बड़ी बात है, हमें अच्छा बात कहना चाहिए, लोग आसान बात, मधुर बात, मधुर वचन, मधुर वचन है ना, लोग चाहते हैं हमेशा मधुर वचन का, मधुर वचन कितने बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने मधुर वचन नहीं बोला, इसलिए बड़ा नुकसान हुआ, है ना। 12 में 10 भाग गया, 2 भाग रह गया, वो भी प्रभु का अनुग्रह से।
बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हमारे ओटों से निकलने वाला बात मधुर भजन होना चाहिए। ओके, और एक युग उसका चार का शुरुआत थोड़ा पढ़ना, युग चार अध्याय का चार भजन का शुरुआत। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। और एक बार, गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। हाँ भैया, कई लोग गिरने पर उनको हमें बातों से संभालना भी, बातों से संभालना है। इसका मतलब क्या है कि कई लोग गिर रहा है करके देखता और एक धक्का मार देता है, तो मतलब जोर से जाकर गिर जाता और वो बचता नहीं। प्रियो, आज बहुत लोगों के आत्मीय जीवन का भी अनुभव ऐसा है, वो गिर रहा है तो हमें संभाल करके उनके साथ व्यवहार करना, क्योंकि नहीं तो हमारा बात उनके लिए और भी टॉकर लगे और वो बुरी तरह से गिर जाए। ये आखिरी समय एक गिरावट का समय, विश्वास त्याग का समय, इसलिए विश्वास में मजबूत होने लायक, दूसरे को प्रोत्साहन करने लायक हमें बातें करना बहुत जरूरी बात है, बहुत प्यार से है। नहीं तो लोगों को लगता है कि हम पर दोष लगा रहे और वो अपना जीवन में और भी दिल को कठोर करके वे लोग गिरने का कारण बन जाता है। इसलिए हमारे बातों में गिरने वालों को भी संभालने वाला बातों को कहने के लिए तैयार रहना, वो बात से लोग टॉकर ना खा पाए। और जेरेमिया उसका 52 अध्याय का 32 वजन, जेरेमिया उसका 52 वजन का 32 का शुरुआत, 52 अध्याय का। मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बेबीलोन में बंधुए थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। मधुर मधुर बात कहकर, मधुर मधुर बात कहना है ना। हमारे यीशु मसीह की वाणियां मधुर थी, बहुत लोगों को दिल को बहुत प्रोत्साहन करने वाली बातें थी। हमारे जीवन में भी ऐसे होना, कभी भी हम प्रभु के साथ चलते हुए हमारा जीव को अगर हम पूर्ण रूप में ना संभाले तो बहुत बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने जीवन को परखना है, एक छोटा सा अंग है तो भी ये बहुत भयंकर धोखा दे सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द भी यहाँ पर बोल करके, मतलब बहुत बातें हैं अभी, मतलब मत्ती 5 अध्याय उसका 37 वचन, मत्ती परंतु तुम्हारी बातें बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, जितना कम शब्द में दुनियादारी की बात, प्रभु का बात बहुत ज्यादा बोलना है। प्रभु का बात बोलने से हमें माना आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है। वो बात करने के टाइम पर प्रभु प्रेम करता है बोलकर बंद नहीं करना, वो प्रेम के द्वारा हमें क्या क्या मिला वो सब वर्णन करना, फिर लेकिन बाकी बातों में जब जाएगा तो प्रभु बोलता है हाँ तो हाँ, एक बात पूछा तो हाँ तो हाँ, ना तो ना। इससे अधिक दुष्ट से आता है और वहां पर दुष्टता और पाप होता है। प्रभु ने हमें बताया वो बात कितना जोरदार बात है। प्रियो, आज भी हमारे अपने जीवन में परखना है। अभी जैसे अभी आप लोग कई बार कई घर विजिट करता है तो उस लोगों को प्रोत्साहन हुआ है कि नहीं, वो अच्छा हुआ आया, इतनी मुसीबत आ गया, आज थोड़ा भी दिमाग ठीक था, अभी वो भी और खराब हो गया। ऐसा बोलने वाले बात ना करें, ऐसे बात बोलने के लिए ना जाए। आपकी बातों में कैसे होना चाहिए, पड़ोसियों चार कच्चे, पड़ोसियों के पत्री 4 अध्याय का 6 वचन, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कैसे होना चाहिए, सलोना होने के बाद नमकीन किया हुआ होना चाहिए। मराठी में आपका शब्द नमकीन किया होना बोलेगा तो एकदम रुचि, अच्छा टेस्टी होना, टेस्टी होना। हमारे बातें टेस्टी का है कि नहीं, ये बात को परखना है ना। मैं आपको बताता ना, मैं पिछले दिन में कई बार मैंने ये सोचा किसी को भी नहीं पूछेंगे क्यों नहीं आया भाई, है ना, नहीं तो पाप करेगा। फिर वो लोग मन में मानो शैतान को बुलाता है, सिर्फ फिर शैतान बोलता है ऐसे झूठ बोलो तो प्रभु का दास खुश हो जाएगा है। ऐसा अवस्था ना आने के कारण अभी प्रभु का अनुग्रह है तो प्रभु कृपा करे
कभी किसी को नहीं पूछे कि भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि वो और एक पाप जोड़ेगा। प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए सबको आमंत्रण प्रभु ने दिया है। प्रभु वो बात अगर हम नहीं समझता है तो है? क्या बताओ, किसको क्या बताओ। प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो हमें प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलेगा। और उससे क्या होगा, कोलोसियों एफेसियों पत्री उसका 4:29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम मतलब दूसरे लोगों का आत्मिक उन्नति। हमें मसीह के रूप में मसीह के स्वभाव में बदलने वाले शब्द कहे बहुत बड़ी बात है। उतना बात कहो जिससे वो और भी मसीह में मजबूत बन जाए, उनको आत्मीय जीवन के लिए और प्रोत्साहन मिले, वो मसीह में बढ़ने का कारण हो जाए, ऐसे बात करना। उसका ही एफेसियों 4:25 पढ़ना। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ देखा, झूठ नहीं बोलना भी, अनेक बातों में सच बोलो, सच बोलो है ना। कई बार कई बातों में लोग क्या करता, लोगों को कुछ करने के लिए झूठ बोलता। नहीं भाई, सच बोलो, सच बोलना। ऐसे सच बोलने वाले लोग ही प्रभु के साथ हमेशा चलेगा है ना। मुंह से कभी भी झूठ नहीं बोलना, लोगों की तसल्ली के लिए ऐसे बातें नहीं कहना। इसलिए मतलब यहां पर समय को देखता है थोड़ा देर जाता है, 15 मिनट रह गया है। तो पहले बात यहां पर क्रॉस, और साथ छठवा बात क्या है, हम लोग मानव वचन में लिखा है हमारा एक बड़ा जिम्मेवारी, गैलातियों 6:2 का दूसरा वचन, बहुत की बात है। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ देखा, मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। उसके लिए क्या करना, एक दूसरे की भार उठाओ है ना। अभी मैं एक बात आपको बताऊं, हम कैसे इस बात में भाग ले सकता, कई रीति में होता है, कई रीति में होता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, मतलब बहुत बोल सकता हूँ। अभी हम प्रार्थना खत्म हो गया, ये दरी पूरा कौन मतलब फोल्ड करेगा। अभी एक आदमी, अभी मैं क्या बोलू, हमारे प्रिय स्नेह सिस्टर अकेला में झाड़ झाड़ करके फोल्ड करता है। अरे एक आदमी उसको मदद करो ना, उसको अकेला वो कितना काम करना पड़ता है, अकेला में उड़ा करके कुर्सी, बाप रे भीमसेन भी उतरा नहीं उड़ा, इतना वो इतना उड़ा करके ऐसा बड़ा बड़ी बात है। अरे वो अकेला कर रहे हैं तो दूसरे लोग देख करके जरा करने दो, ऐसे नहीं भी। दुनिया की बातों में भी क्यों ना हो, मेरा भाई मेरा बहन तकलीफ उड़ा रहा है, मेरे को उनका काम देखकर मेरे को तरस आता है, मैं उड़ाने के लिए जाता है तो मानते नहीं, फिर दूसरा भी एक आधा फिर आ जाता है। अपन तैयार है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है ना, पर तो छोटा बात समझ करके वो अकेला भार उड़ा रहा है। अभी आप देखो, अभी हमारे एक विश्वासी भाई दोनों हाथ में 25-25 किलो वेट लेकर जा रहा है और आप फ्री हाथ में घूम रहा है। अपना काम क्या रहता भाई, एक थैली मेरे पास देता, मैं उधर तक पहुंच जाता हूं, नहीं समझा। एक मदद करना भी, ये एक प्रकार कामों में मदद है। अभी मुझे मालूम है कई बार मैंने देखा है कि स्नेह को बहुत ज्यादा मतलब लिखने होता है, तब ग्रेस बोलता है मैं लाइन डाल कर देता हूं, उसने उतना मदद किया, एक बड़ी बात है ना। एक भार ले रहा है उसको, उसमें भी वो टाइम बचाया। मदद करना भी, एक मदद करने वाले एक स्वभाव हमारे लिए बहुत अच्छा है। प्रभु का ये बोलता है हमें मसीह की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था। एक व्यक्ति अगर कोई भी बातों में अगर वो परेशान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो उसको कैसे मैं मदद कर पाऊ, मेरी तरफ से कैसे मदद करके मैं उसको मतलब और भी उड़ा सकू है ना, ये एक बात बड़ी बात है। दूसरा मदद कैसा है, कोई निराश रहेगा, निराश में है तो हमको मालूम है पुराना व्यक्ति थोड़ा निराश में है, तो हमें आशा का बात है बोल करके उनका हौसला बढ़ाना, वो एक मदद है, एक मदद है। समझ में आया, कोई व्यक्ति कई रीति में दुखी होगा, निराशा और दुख दोनों अलग अलग बातें। दुख में रहने वाले लोगों को मैं कैसा उनको आनंद प्रदान कर पाऊं, वो बात प्रभु से पाना और उसको दुख मिटाने के लिए मदद करना।
वो एक मदद है। ये सब यीशु मसीह की व्यवस्था है। कई लोगों को इतना विस्तार से ना बोलने कर नहीं समझा तो अभी समझो। ए, दुख में रहने वालों को हमें वो दुख से छुड़ाने के लिए मदद करना। मैं किस रीति में प्रभु उसकी वो दुख में से मैं बाहर ला सकू, प्रभु का पूछना, प्रभु से अगुवाई लेना और उनके साथ बात करना। और कोई भी प्रकार का बलहीनता होगा, बलहीनता कई बातों में बलहीनता हो सकता है। कई लोगों का बलहीनता क्या है, जल्दी गुस्सा आता, एक बलहीनता है ना, मतलब एक उसमें हमें मदद करना। और वो गुस्सा होता है तो अपन ठंडा रीति में बात करना। ऐसे नहीं कि उसने जो गुस्सा से बात किया उसी गुस्सा में आप भी बोलो तो फिर आप उसका मदद नहीं कर रहा है, आप उसको और भी गड्ढे में डाल रहे हैं। वो एक उनकी कमजोरी है, उनकी बलहीनता है। तो हमें, हमारा काम है उसको हमें प्यार से उनको उस बातों को पार करने में मदद करना। मेरा आपको बोलने का मतलब, कोई व्यक्ति बीमार अवस्था में होगा, बीमार है तो क्या बोलने का, सिर्फ एक शब्द, मुझे मालूम है अपना बीरा जी, मतलब वो हमेशा टेंशन लेता है। मैं उसको ही बात करने के लिए कॉल करता हूँ। मेरे को मालूम है ये मेडिकल लोग है ना, छोटा बात पर ज्यादा टेंशन लेता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, बीरा आप कोई टेंशन ले लेना, मेरी प्रार्थना में प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मतलब हौसला बढ़ाने के लिए बोलना। दो शब्द में उनका दिमाग में तो ठंडा पड़ाएगा, है प्रभु दास ने बोल दिया तो हमको खुशी हो गया भाई, बिना अच्छा लगता है कि नहीं पूछा तो वो शायद दिल में सोचेगा प्रभु दास ने पूछा भी नहीं और वो टेंशन लेगा। इसलिए मैं 10 बार मानो थोड़ा ऐसा फोन करता हूँ, कैसे है जवान, अभी देखो ना खेलते रहते और इधर मेरी तरफ भी देखते रहते हो हमेशा, अभी से उसको बहुत मानो खुशी है, लेकिन भक्ति मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जो भी है प्रभु जल्दी आएगा। तो इसलिए प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर बीमार में भी है, आपको मालूम पड़ता है ना, अपना कोई भी प्रियजन अगर बीमार अवस्था में है ना, आप जा नहीं पाया तो भी एक फोन करके पूछो, ब्रदर सिस्टर कैसे आप, पहले से बेहतर है कि नहीं, देखो आप टेंशन नहीं लेना, मतलब मैं भी प्रार्थना में हूँ, जरूर मतलब और भी प्रार्थना करेंगे, आप कोई प्रभु आपको आपके साथ है, थोड़ा प्रोत्साहन देना। ये सब मसीह की व्यवस्था है, मसीह ने प्रभु का लोग दिया हुआ व्यवस्था है। मतलब इस प्रकार मतलब अपने को कैसा ये सब मतलब बातों में मदद कर पाएगा, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हे हर एक काम कैसे करना, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का प्रेम में करना। तो एक दो बात मैं आपको उसमें बता करके जल्दी खत्म करने का कोशिश करूंगा। रोमियो 15 अध्याय उसका पहला वचन, मतलब क्या करना, निर्बल लोगों को उनका निर्बलता को सहनना। मतलब ठीक है हमारे भाई बहन से कुछ गलती हो गया तो भी वो एक समस्या करके उसको नहीं रहना, उसको हमें सहनना, वो भी मसीह की व्यवस्था है। उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा भी नहीं, उसको सफर करना, सहनना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी आखिरी सातवां बात भी बोलकर जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम को देख करके, आखिरी बात क्या है ना प्रियो, हमें एक दूसरे को क्षमा करना। मसीह जीवन का मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज भी कई लोग उनके दिल में कई लोगों के प्रति अच्छा नहीं, इसलिए मिलने के टाइम पर वो खुशी से नहीं मिल पाता, उनके दिल में कुछ ना कुछ दाग कहीं ना कहीं रीति में शैतान ने डाला है। इसलिए प्रभु के लोग कैसे मिलने चाहिए, हम प्रभु के लोग है करके दुनिया कैसे मालूम पड़ेगा, प्रेम से, कैसे मिलना, प्रेम से प्रियो। ये प्रेम में कोई कपड़ा नहीं, अपन एक मतलब बोलते ना हंस गया तो बस गया, वो दुनिया का बात नहीं प्रियो। प्रभु के लोग जो हंसता है वो प्रभु के प्रेम में हंसता है, वो कुछ दूसरा मतलब से नहीं हंसता। दुनिया के लोग मतलब से हंसता है और वो हमारा धोखा देगा, पर प्रभु के लोग ऐसे नहीं। वो ध्यान से सुनना, हमें हम प्रभु से क्षमा पाए बनोगे, हमें एक दूसरे को क्षमा देने का कर्तव्य है। आपको मालूम है जब हमारा जो मत्ती 18 अध्याय में जो प्रभु ने बोला ना, मानो वो कई करोड़ों का कर्जदार था उसको क्षमा मिला, और जो उसका सिर्फ 100 रुपये का कर्जदार को उसने छोड़ा नहीं। ऐसे नहीं, हम क्षमा पाए वाले लोग, हम दूसरे को जो क्षमा देता है वो सिर्फ नया पैसा में प्रयोग, हमको करोड़ों का माफ मिला है। बोले का अर्थ
हमारे दिल में किसी के प्रति कभी भी नफरत कड़वाहट रह करके प्रेम नहीं कर सकता आप दिल की गहराई से, ऐसी अवस्था कभी नहीं होना। क्षमा दिया नहीं मैंने दूसरे को, किसी प्रकार भी क्षमा ना दिया हुआ अनुभव मेरे जीवन में किसी बात का किसी के प्रति है क्या, ये बात को ठीक से परखना। क्योंकि नहीं तो स्वर्गीय दर्शन में प्रभु के वचन का प्रकाश में आप बढ़ नहीं पाएगा। दो चार वचन जल्दी पढ़ करके मैं जल्दी खत्म करूंगा। पहली बात एफेसियों 4 अध्याय उसका 32 वचन, एक दूसरे पर कृपा लो और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे। अभी देखो हमने एक तुलना किया है, परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध को क्षमा किया, वैसे कैसे भी कुछ नहीं, कुछ उपदेश देकर के नहीं, पिता ने पुत्र में जो हमारे गुनाहों को क्षमा किया वैसे हम क्षमा पाने के लायक नहीं था। हम इतना भयंकर गुनाहगार था, हमें इस गुनाह से छुटकारा ही नहीं था, छुटकारा होने वाला बात ही नहीं था। उस समय भी हम प्रभु का दुश्मन थे ना, हम बलहीन थे, वही थे, पापी थे, हर प्रकार हम सर्व सजा के योग्य थे। प्रभु को बहुत क्रोध दिलाए हुए लोग, लेकिन प्रभु ने मसीह में हमारे को क्षमा दिया, हमने क्षमा पाया। उसी प्रकार जैसे पिता ने मसीह में क्षमा दिया वैसा वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखा प्रियो, ये बात हमने कालवरी सूली में देखा। क्या देखा? यीशु मसीह को इतना सताने वाले लोगों को भी। आप देखो प्रियो, कोई मन कोई दिल कोई स्वभाव हमारा होना ना, लुका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 34 वचन, ओ प्रभु यीशु, तब यीशु ने कहा हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। देखा प्रियो, लोग यीशु मसीह को सता रहा है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, यीशु मसीह के सिर पर हीरों के मुकुट पहनाया, अभी भी निंदा कर रहा है, अभी भी यीशु मसीह उनको दिल से क्षमा देते हुए पिता से भी बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। देखा प्रियो कैसा माने, अगर हमको हमारे खिलाफ में कोई नापसंद का कोई कार्य किया तो पूरा जिंदगी भर उसे घृणा करते रहेगा। वो मन प्रभु का मन नहीं क्या? नहीं प्रियो, ये दुनिया में कोई भी कैसे भी हमारे साथ व्यवहार करने दो, हमारे मन में उनके प्रति सिर्फ प्रेम रखना, प्रेम के अलावा कुछ भी बात को हमारे अंदर आने नहीं देना प्रियो। अगर ऐसे आ गया वो नुकसान हमको है, वो व्यक्ति को है। यीशु मसीह ने क्षमा किया, अभी आपको मालूम है वही उसका चेला स्तबानुस पागला रक्त साक्षी है ना, प्रेरितों का उसका 7 अध्याय का 60 वचन, प्रेरितों उसका ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। हे प्रभु ये पाप उन पर, देखो चारों तरफ स्तबानुस के खिलाफ में दांत पीस करके क्रोध के साथ पथरवा कर रहे, पर जो स्तबानुस ने भी प्रभु को बोला, प्रभु ये पाप उन पर मत रुको, सवालों से पहले क्षमा किया और प्रभु से भी उनके लिए क्षमा मांगा। ओ है प्रियो सच्चा मसीह का मन, ओ है प्रभु हमसे चाहता है, हम कर पाएंगे? उसने मेरे खिलाफ ऐसे किया था, मैं देख लूंगा जिंदगी भर वो दुश्मनी। प्रियो ऐसा है कुछ बात दिल में है तो आज ही क्षमा करो, आज ही उसे क्षमा भी मांगो। देखो सिस्टर, देखो ब्रदर, मेरे दिल में आपके प्रति इतना खुशी नहीं था, लेकिन आज मैंने वचन सुना, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला मेरे अंदर आपके प्रति थोड़ा कड़वाहट है, नफरत है, मुझे क्षमा करना, मैं इसलिए आपके आपके साथ प्यार से मिल नहीं पाया, आपके साथ प्यार से रह नहीं पाया, मुझे क्षमा करना। थोड़ा सा नम्र बनो, ये क्षमा मांगने के लिए नम्र बनना पड़ता, और प्रभु बार बार बोलता है मैं इसे नम्र बनो। हाँ भैया एक कदम बढ़ाओ, ये क्लास प्रभु का महिमा का कारण मैंने दी, किसी का भी दिल में किसी प्रकार कोई भी साइड से कुछ भी नफरत कड़वाहट है दिल से उसको देख करके और हम हंस नहीं पाता, हम खुशी नहीं मना सकता। अरे कितना खुशी होना चाहिए, आप देखो ना प्रभु में आए वो दिनों में प्रभु के लोग मिलने के लिए क्या खुशी है, अरे ब्रदर ओ सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, दूर से ओ प्रेज द लॉर्ड, वो खुशी कहां गया, वो प्रेम कहां गया, कौन हटाया? विरोधी ने। अभी भी ध्यान से सुनना प्रियो, आप क्षमा ना देने वाला दिल है तो आप एक विजय जीवन कभी नहीं मिला पाएगा, आपकी तरह प्रभु का महिमा कभी नहीं होगा, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, शैतान इस्तेमाल करेगा। ध्यान देना,
या हमारे जब पड़ोसियों तीसरा अध्याय का 13 बजे और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। देखो हर बात में एक नमूना एक आदर्श हमारे यीशु मसीह है। किसी पर भी दोष लगाते हुए मत रहना, प्रिय क्षमा करो, माफ कर दो, दिल से माफ कर दो। कैसे क्षमा करना? एफेसियों 4 अध्याय का 2 वचन, ओ प्रभु यीशु, अत्ता सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज से धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की प्रेम से एक दूसरे को सहन लो। प्रेम से प्रभु के उस प्रेम में होकर के एक दूसरे को सहनना और एक दूसरे को क्षमा करना, कितना मूल्यवान बात है, कितना मूल्यवान बात है ना। मानो हर एक लोगों के साथ ये क्षमा का कार्य करना बहुत जरूरी बात है। एक बार मानो पत्रोस ने प्रभु को पूछा था, वो एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, मत्ती 18 अध्याय का 21-22 बजे पत्रोस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु यदि मैं हमारी अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। देखा देखो यहां पर पत्रोस प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु 7 बार अगर क्षमा दिया तो चलेगा क्या? है 7 बार प्रभु ने क्या बोला? 7 का 70 बार, इसका मतलब 490 बार के बाद में है, बाद में क्या होगा? प्रभु ऐसा बोलने का अर्थ क्या मालूम है? सीमा रेखी में का सीमा नहीं, 800 बार भी क्यों ना हो, 1000 बार भी क्यों ना हो, सीमा नहीं, सीमा रेखी में क्षमा कर। प्रेज द लॉर्ड, कितना हाँ की बात है। इसलिए ये सब प्रभु के लोगों में प्रभु चाहने वाला सबसे मानव आनंद काल के लिए बहुत लाभदायक बात है। मैं आशा करता हूं प्रभु ने हम सबसे हमारा अवस्था जान करके बोल रहा था, बात कर रहा था, तो मैं समय को देख करके यहां पर रुकना चाहूंगा। मुझे बोलने में प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, बहुत बातें मैंने कट कर देता हूँ और आग्रह करता हूँ प्रियो, जो भी भजन आपके पास आया, आज भी लोग भजन आता है तो पता नहीं लोग कुछ लोग कुछ निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, कई लोग आखिर में हाथ तक ना मिला के भाग जाता है, कैसा क्या है ना, दुख लगता है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु उनका दिल जानता है। प्रियो हम प्रभु को बस्ती में आने के बाद में हमें जरूर प्रभु का भजन जो हमसे कहता है वो मानना चाहिए, मानने वाला गुण हमारे में चाहिए, एक नम्रता का दिल हमें चाहिए। आज प्रभु ने हमें इन 7 बातों से क्या क्या सिखाया, क्या क्या सीखा, ये बात हमें याद रखना। हम दुनिया का अनुरूप नहीं बनना प्रियो, हम किसी बात की चिंता में डूब करके प्रभु को दुख नहीं देना, और हमें प्रभु हमें उचित समय में ऊंचा करने के लिए प्रभु के सामने नम्रता से रहना, और हम ये दुनिया में रहते हुए दुनिया से और दुनिया की बातों से प्रेम नहीं करना, और हमारा बात बात शब्द हमेशा मतलब लोगों को उन्नति देने वाला होना चाहिए, और प्रभु की व्यवस्था पूरा करने के लिए हमेशा अपन तत्पर होना चाहिए। आखिर में हमने बोला प्रभु ने जो हमें क्षमा दिया ऐसे हम दूसरे को क्षमा करना चाहिए। जरूर मैं आशा करता हूँ कुछ तो बात जरूर हमारा दिल को जीवन को चुभाए हमारे जीवन में। आज अगर रूपांतर प्रक्रिया अगर आपका नहीं हो रहा ना, आप प्रभु के आगमन में जाने वालों में नहीं। खास याद रखना, जो व्यक्ति वचन सुन करके उनका जीवन में रूपांतरण प्रक्रिया आज अगर नहीं हो रहा है तो प्रभु के आगमन में भी कुछ उस व्यक्ति में होने वाला नहीं। हमें रोज अंश अंश करके बदलते जाना भी, जो बदलने वाला गुण नहीं है वो व्यक्ति प्रभु के आगमन में भी बदलेगा नहीं। इसलिए ऐसा धोखे में कोई भी ना पड़े, प्रभु के आगमन की सच्चा तैयारी में लेकर के, क्योंकि आज हमने शुरुआत में पढ़ा जो सुसमाचार नहीं सुनता प्रभु उससे पलटा लेगा, प्रभु उससे बदला लेगा। प्रभु प्रेम है, प्रेम है, परंतु प्रभु साथ ही साथ धर्मी है, प्रभु धर्मी है, इसलिए प्रभु पाप को ऐसा नहीं छोड़ सकता, पाप के ऊपर प्रभु न्याय करेगा। इसलिए हमारे जीवन में आज प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाने की तैयारी में है क्या? अभी हम जितना सोचते हैं वैसा प्रभु अभी ज्यादा समय नहीं प्रियो है ना। अब एक दूसरे को जरूर प्रोत्साहित करना,
एक दूसरे के लिए एक अच्छा आदर्श बनना, प्रभु का महिमा करना। गाइए समय प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु का महिमा हो। आमीन।